जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार, बातचीत हम इसके बारे में करते रहे हैं और लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि जिनके ऊपर सरकार को खबर है वहीं पे काम होना चाहिए, पूरे स्टेक होल्डर्स के ऊपर इस तरह से एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैं, जो लेटेस्ट लेटर्स भी हैं एक्सेसिबल, उसमें ये माना जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर मुंबई, लातूर और सोलापुर में इस तरह के एक्शन और इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद मनीषा जी। ये जो हमने पिछले कुछ दिन पहले ही बात की थी जी, जो सरकार का जो ये एक्शन है, और आज इन्होंने दो दिन से इनकी टीम जो है बम्बई में और लातूर और सोलापुर और इवन चेन्नई में भी वो टीम वहाँ विजिट उन्होंने किया है जी। कल बम्बई मार्केट में यहाँ पे थे वो, और लेकिन वो कुछ एक स्टेक होल्डर्स के पास में गए हैं, जो कुछ जो ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स हैं उनके पास गए हैं, उन्होंने उनका स्टॉक वेरीफाई किया है और बेसिकली वही जानना चाहते हैं कि जो सरकार का डायरेक्शन है कि आप स्टॉक को डिक्लेयर करें, वो डिक्लेयर हो रहा नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेड के मोस्टली ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ट्रेड को जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा और प्राय सबका पाया कि सभी स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई टेक्निकल छोटे मोटे कोई इश्यूज जो उन्होंने सजेस्ट किया, तो इस तरह कोई हार्श एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। लातूर में भी हमें यही जानकारी मिली है कि वहाँ पे भी आके उन्होंने स्टॉक वेरीफाई किए हैं और देखा है कि उन्होंने कि पोर्टल पे जो उन्होंने जो डिक्लेयर किया है उस तरह स्टॉक है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई हार सेक्शन नहीं है। सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि अननेसेसरी कोई होर्डिंग नहीं हो रही है ना, तो वो उसके लिए मैंने आपको कहा था अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो सरकार उस पर कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन अदरवाइज इन जनरली हम देख रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो सब स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि सरकार को इसका इसकी जो प्राइस राइज हो रहे हैं तुअर में खासकर, बाकी दालों में कोई खास प्राइस राइज नहीं है। हालांकि मैंने पिछले बार भी आपको कहा कि दालों के प्राइस में के प्राइस के बारे में जो बात हो रही है उसमें काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है, इतना कोई मेजर इशू नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा इतनी चिंता करने की जरूरत है। अगर आप पूरे पल्सेस बास्केट को देखें तो आप देखिए मसूर मिलो MSP बिक रही है, 60 रुपये मसूर मिल रही है। चने का जो सब्स्टिट्यूट है येलो पीस जिसको सरकार ने अलाउ किया है आज वो 40 रुपये में मिल रहा है। चना सिर्फ जो है 60 से 65 रुपये में मिल रहा है। तो एज ए पल्सेस बास्केट एज ए होल देखेंगे तो आपको एक अच्छे प्राइस में, अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में दालें मिल रही है। तो इससे मैं नहीं समझता हूँ, मैं हमारी सरकार के साथ अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, हमने उन्हें भी अवगत कराया कि काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और जो तुअर की बात है, देखिए वो जग जाहिर है क्योंकि जब जो चीज अवेलेबल नहीं है उसमें हम कुछ भी कोई एक्शन लेने से उसके माल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। माल तो ये सरकार को भी मालूम है लेकिन वो इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि अननेसेसरी होर्डिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसके ठीक है। और ऐसा हमने देखा है कि कोई ऐसा कोई हार्श एक्शन नहीं हो रहा है, वो जो वो एक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए ठीक है, ताकि व्यापारी वर्ग को भी एक समाचार एक मैसेज मिले कि भाई हमें कोई अननेसेसरी फायदा उठाने की जरूरत नहीं है खासकर ऐसे मौके पर। फेयर पॉइंट। तो विमल जी एज ऑफ नाउ तो यही कहा जा रहा है कि ये पहली टीम है और आपको लगता है कि और इसके आगे कार्रवाई होगी? जैसे आपने कहा कि छोटी मोटी टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर हैं जो सॉल्व किए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के तौर पर ये काम किया जा रहा है, एज ऑफ नाउ कोई हार्श एक्शन नहीं है, लेकिन एक मैसेज और एक वार्निंग जरूर है ये ट्रेड के लिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ना हो। हाँ, तो वो अच्छी बात है कि वो एक जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेड को भी मैसेज मिल रहा है कि आप खासकर ऐसे मौके पर टूअर जैसी चीज पे ज्यादा एक अननेसेसरी उसका मैनिपुलेट करके प्राइसेस को एडवांटेज उठाने की कोशिश करें न करें, इसके लिए हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी व्यापारी वर्ग करे। तो और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही मैंने सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मीटिंग की थी और हमने कहा कि इसका हमें हमारा जो सप्लाई है उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है, ये इस तरह के कदम से सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो वो भी इस बात को समझते हैं लेकिन कुछ उनको भी कुछ जानकारी मिले कि कुछ लोग इस तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो जायज है कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कोई ऐसे चिंताजनक बात है, हालांकि इससे थोड़ा जरूर पैनिक क्रिएट जरूर होता है मार्केट में लेकिन ये सब स्टेबलाइज हो जाएगा। फेयर पॉइंट विमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग शायद यहाँ पर होर्डिंग कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये स्टेप्स भी उठाए गए। तो एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ी होर्डिंग की चिंता या समस्या सामने नहीं आई है, कोई हार्श रिएक्शन या एक्शन सरकार ने फिलहाल नहीं लिए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन टीम्स के जरिए से यहाँ पर मुंबई, लातूर और सोलापुर में अभी भी जारी है, जैसे विमल जी ने वो कन्फर्म भी किया।
तो ये तो दाल की बात है जहां पर लगातार हेडलाइंस हम बनता हुआ देख ही रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने की। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़े हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। सचिन नमस्कार, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पे हेड का पदभार यहां पर संभाला है और ऐसे समय पर जब सोना यहां पर ऑल टाइम हाईस के आसपास है और सोना बहुत वॉलेटाइल भी है। तो जैसे आपने बताया कि ग्लोबली हमारा करीब 3% अप रहा है, जो करीब 1238 टन का कंजम्पशन इस क्वार्टर में रहा है, और अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारा 2016 में रहा था। सो दैट इज इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस देन। और अगर कुछ इसमें आप की उसके पिलर्स देखें या जरी देखें किस तरह से रहा है, तो एक तो ओटीसी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, मैं आपको अभी उसमें आंकड़े दूंगा। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और इवन इतनी हाई लेवल की जो वैल्यू गोल्ड की थी उसमें ज्वेलरी मार्केट भी करीब सिर्फ 2% नीचे जा पाया, तो काफी स्थिर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा है। इसके अलावा एक जो चीज हमने देखी है वो टेक्नोलॉजिकल जो कंजम्पशन गोल्ड का होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अभी नए माइक्रोचिप्स आए हैं जो AI लेड, उसमें गोल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है और करीब 10% हमने बढ़ोतरी उसमें देखी है। तो ग्लोबली ये सब एक ब्रॉड चीज रही है। और एक एक जो एक ट्रेंड हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट के प्रति देखा कुछ समय पहले, अगर आप देखें तो जब भी रैली ऊपर की तरफ होती थी तो वेस्टर्न मार्केट इन्वेस्ट करते थे। अगर ईस्टर्न मार्केट देखें, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, जब प्राइसेस थोड़े नीचे होते थे या ऊपर नीचे नीचे की तरफ जाते थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी या खरीदारी बढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में हमने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो एक ट्रेंड है रिवर्स हुआ है। एज द प्राइस वॉज गोइंग अप, तो जो ETFs हैं जो वेस्टर्न मार्केट्स के, उन्होंने इनकैश किया है, और हमारी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, ये एज द प्राइस इज गॉन अप द इन्वेस्टमेंट और इस पर एक सर्जेंसी आई है। तो ये ब्रॉड चेंज हमने देखा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है ये करीब 136 टन की हमने कंजम्पशन करी है, जो करीब 8% ज्यादा रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, जो उस समय करीब आप समझिए कि करीब 126 टन के करीब था। लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ गोल्ड काफी डिफरेंट है दोनों सालों में, तो जो ये ग्रोथ हमने देखी है वो इसके जो नेट हमारा जो वैल्यू निकली है गोल्ड की, वो करीब 75,470 करोड़ का बिजनेस हमने पहले क्वार्टर में देखा इंडिया में इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर हैज बीन अबाउट 20-21% अप। सो वैल्यू वाइज काफी हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी। ज्वेलरी में करीब यू नो इवन विद द प्राइसेस गोइंग अप, और आपको शायद याद हो कि फरवरी में प्राइस एक डिप आया था, तो एक नेट नेट जो क्वार्टर में हमने देखा करीब 4% बढ़ोतरी हमने इसमें देखी, जिसमें करीब 95.5 टन की कंजम्पशन ज्वेलरी में रही, लेकिन वैल्यू वाइज ये करीब 16% अप थी। सो क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 52,750 करोड़ का बिजनेस ज्वेलरी में हुआ है, और ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ ये बिल्कुल वैल्यू ऑफ गोल्ड बोल रहा हूँ, विदाउट टैक्सेस विदाउट कस्टम ड्यूटी, सो द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एब्सोल्युटली सचिन, बहुत अमेजिंग नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। और एक और अमेजिंग नंबर है इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर, जहां पर हमने करीबन 19% का इजाफा आते हुए देखा है। तो क्लियरली बढ़ते सोने ने यहां पर, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, सभी ने सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट अब देखा है। और मनीषा आपने बहुत अच्छा बोला कि इस, जबकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बार्स एंड गोल्ड कॉइन, दो अगर देखें बार्स एंड गोल्ड कॉइन इटसेल्फ करीब 19% वेट में बढ़ोतरी रही है, और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22,750 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, जो वैल्यू वाइज करीब 32% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आप देखें वैल्यू वाइज द इन्वेस्टमेंट इन बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके काफी जरिए रहे हैं। आपने मेंशन किया ETF में भी हमने करीब जो AUM रहा है उसको हमने बढ़ोतरी देखा है ऑलमोस्ट 4 टन से। तो इट इज ओवरऑल अ वेरी रोबस्ट टाइम, एंड व्हाई इज दैट, अगर आप पूछे क्यों ऐसा, तो जो स्तंभ है, जो एक एनवायरमेंट है जिससे गोल्ड के प्राइस का असेसमेंट होता है, इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड का ईयर ऑन ईयर, पिछले आप पिछले 3 से 4 हफ्ते को हटा दें एक बार को, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें दैट इज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी काफी इम्पैक्ट आ रहा है, और एक सेंट्रल बैंक बाइंग has been very consistent. Absolutely. जैसे आप कह रहे हैं सचिन कि जहां भी देखा जाए बहुत ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन एक और नंबर आपके सामने रखना चाहेंगे और वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज गोल्ड ऑल टाइम हाईस पे था, हमने रिसाइकल गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा इजाफा आते हुए नहीं देखा। 10% perhaps एक ऑलमोस्ट एज अ नॉर्मल नंबर है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा,